नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल चरित्र ज्ञान में। दोस्तों, अगर आपको कोई औरत या कोई खूबसूरत लड़की या परी या फिर कोई नग्न अवस्था में स्त्री अगर आपके सपनों में नजर आती है तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखते रहे। जी हाँ दोस्तों, सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार सपनों में स्त्री का आना बहुत सारे शुभ और अशुभ संकेत देता है, जो आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाले हैं। इसलिए दोस्तों, इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखते रहे और इस वीडियो को लाइक करना तो बिल्कुल भी ना भूले। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं इसके बारे में। दोस्तों, नंबर एक पर कहा जाता है कि सपनों में सुंदर स्त्री या परी को देखना। जी हाँ दोस्तों, अगर किसी व्यक्ति को सपनों में सुंदर स्त्री या फिर परी दिखाई देती है तो यह बहुत ही शुभ संकेत माना जाता है। यह संकेत व्यक्ति को सुख और समृद्धि की प्राप्ति की ओर इशारा करता है। दोस्तों, नंबर दो पर कहा जाता है कि सपनों में स्त्री को नग्न अवस्था में देखना। जी हाँ दोस्तों, जो पुरुष सपनों में बार बार स्त्री को नग्न अवस्था में देखता है तो उसे बहुत सारी तकलीफों का सामना करना पड़ सकता है और होने वाले शुभ कार्य में भी उसे अशुभ संकेत देखने को मिल सकता है। इसके बाद दोस्तों, कहा जाता है कि आभूषण से सजी स्त्री को सपनों में देखना। जी हाँ दोस्तों, आभूषण से सजी स्त्री किसी व्यक्ति को सपनों में दिखाई देने पर उस व्यक्ति के सभी रुके हुए काम पूरे होने की संभावना बनती है। आभूषण से सजी स्त्री आपके भाग्य को मजबूत करने का संकेत देती है। दोस्तों, नंबर चार पर कहा जाता है कि सपनों में औरत का रोना। जी हाँ दोस्तों, अगर आपके सपने में कोई रोती हुई स्त्री दिखाई देती है तो आपके ऊपर परेशानी और बाधा आने की संभावना बनी रहती है। आपके जीवन में कहीं ऐसी समस्या पैदा हो सकती है जिसका आपको अंदाजा तक नहीं होता। यह संकेत किसी मृत्यु होने की ओर इशारा भी करते हैं। दोस्तों, नंबर पांच पर कहा जाता है कि सफेद वस्त्र में स्त्री को देखना। जी हाँ दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार कहा जाता है कि जब कोई स्त्री आपके सपनों में सफेद वस्त्र में दिखाई देती है तो यह बहुत ही अशुभ संकेत माना जाता है। यह संकेत इस बात की ओर इशारा करते हैं कि कहीं किसी के मृत्यु होने की अवस्था है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद।